हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए फोर सेमेस्टर हिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना है आधुनिक विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यही आपको पढ़ना है अपने बीए फोर सेमेस्टर में। ये बात तो आपको पता है क्योंकि मैं आपका सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और आपकी जो यूनिट्स हैं 1 से लेकर 8 तक की, उस पर लगातार वीडियोज़ अपलोड हो रही थी डेली, और आपकी प्लेलिस्ट बीए फोर सेमेस्टर हिस्ट्री की मेरे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर बनी हुई है। देखिए, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जिनकी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हो, जहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड पेपर आते हैं परीक्षा में, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके इतिहास का यूनिट नंबर 1 से लेकर 8 तक के यूनिट्स का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, जिस जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, पूरा एकदम इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बताऊंगी जो आपके 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये बात आपको बता दूं कि आप चैनल के साथ जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके, तो आपको डेली आने वाली वीडियोस मिल रही होंगी और आपने पूरा फुल डिटेल क्लास किया होगा, क्योंकि हिस्ट्री आधुनिक विश्व के इतिहास की पूरी लगातार मैंने एक सीरीज़ में क्लास कंप्लीट करवा दी है, और अब मैं लगातार आपके सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। फिर चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सभी के लिए चैनल पर विजिट करके देख लिया कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम हुआ। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये 100% आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्यों आएगा? आपका जो विश्व का इतिहास है, जब आप उसको उठाते हो पढ़ने के लिए, तो जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला टॉपिक होता है वो होता है पुनर्जागरण, क्योंकि विश्व का इतिहास पुनर्जागरण से शुरू हो जाता है। तो हम पहला टॉपिक यही पढ़ते हैं अपने विश्व इतिहास में, ये बात तो आपको पता है। और मैं ये तो बार बार नहीं कहूँगी कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक पर फुल डिटेल वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर। हम आज सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो किस देश से शुरू हुआ? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ, वहाँ के लोग सबसे पहले फिर से जाग उठे और नई परंपराओं और रीति रिवाजों की तरफ आगे बढ़े, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने लगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ये भी आपका प्रश्न है, ये भी आपकी परीक्षा में 100% आएगा। देखिए, सारे प्रश्न वही हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए किसी भी प्रश्न को नज़रअंदाज करने की कोशिश मत कीजिएगा। रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? तो पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेशा कहते हैं, तो रेनेशा किस भाषा का शब्द है? तो ये शब्द है फ्रांसीसी भाषा का। किस भाषा का? फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, पुनर्जागरण या रेनेसा का क्या तात्पर्य है, यानी कि क्या अर्थ है? तो ये भी 100% आएगा, ज़रूर पूछेगा आपसे कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, यानी पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन देगा। अब आप बताइए क्या है? वैज्ञानिक प्रगति? नहीं। शैक्षिक प्रगति? नहीं। साहित्यिक प्रगति? नहीं। पुनर्जागना या फिर से जागना? हाँ, तो ये सही है, पुनर्जागरण यानी कि दोबारा से जाग जाना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पुनर्जागरण वाली वीडियो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट के अंदर, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न भी 100% परीक्षा में आना ही आना है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो दांते को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। दांते के बाद पुनर्जागरण को प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? मतलब दांते जिन्होंने पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो उनके बाद वो कौन सा व्यक्ति था जिसने पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया? तो वो व्यक्ति थे पेट्रार्क। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो डिवाइन कॉमेडी जो है दांते की रचना है, दांते की, और आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ देगा कि दांते की रचना निम्नलिखित में से कौन है, और 4 बुक के नाम आपको ऑप्शन में दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि डिवाइन कॉमेडी को दांते ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था? तो पुनर्जागरण आके जब हुआ तो उसका प्रमुख कारण क्या था? तो सामंतवाद का पतन था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला देखिए, फ्रांसीसी विद्वान दीदरो ने, फ्रांस के विद्वान थे दीदरो जिनका नाम था, तो दीदरो ने रेनेशा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? इन्होंने रेनेशा शब्द का यूज़ किस चीज़ के लिए किया?
तो पहला ऑप्शन है नवीन साहित्य एवं कला के लिए, दूसरा है पुराने साहित्य के लिए, तीसरा है मूर्ति कला के लिए, चौथा है चित्रकला के लिए। तो दिदरों ने रेनेसा शब्द का यूज़ किया था नवीन साहित्य एवं कला के लिए, क्योंकि जब पुनर्जागरण हुआ तो लोग नए नए साहित्य और कला के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था, तो इसलिए इन्होंने रेनेसा शब्द का प्रयोग नवीन साहित्य एवं कला के लिए किया। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ये सारे प्रश्न 100% परीक्षा में आएंगे, इसलिए इनको एकदम याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100% आना है, पुनर्जागरण का आरंभ किस नगर से हुआ? तो फ्लोरेंस नगर से हुआ, इटली के फ्लोरेंस नगर से। तो देखिए ज़रूर पूछेगा अगर प्रश्न पूछ दे कि किस देश से हुआ, तो इटली से। किस नगर से हुआ, किस शहर से शुरू हुआ? तो फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता है। तो पुनर्जागरण की विशेषता क्या है आपको पता है? मानववाद है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है, मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पेट्रार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। तीसरा है, मानववादी आंदोलन का गढ़ कौन सा नगर था? तो कौन सा नगर था जो मानववादी आंदोलन का गढ़ था? तो फ्लोरेंस नगर था, जहाँ से शुरू हुआ था पुनर्जागरण सबसे पहले, तो इसलिए यही आपका सही आंसर होगा। देखिए जब पूछ दे मानववादी आंदोलन का गढ़ कौन सा नगर था, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और ये ऑप्शन देख के ही आपको लग जाएगा कि फ्लोरेंस नगर, क्योंकि मानववादी जो आंदोलन ये पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है, और पुनर्जागरण सबसे पहले शुरू हुआ फ्लोरेंस नगर से, तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, आपको बस दिमाग लगाना होता है, तो बहुत आसान सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला देखिए, द फॉल ऑफ मैन नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो किस चित्रकार ने बनाया? जब पुनर्जागरण हुआ तो इतना ज़्यादा विकास हुआ कला साहित्य सभी के क्षेत्रों में, तो ये एक चित्र है जो बड़ा फेमस है, द फॉल ऑफ मैन। तो इस चित्र को किसने बनाया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव्स में तो आपको पता है यही सारे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आपको डीप पढ़ना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आपको जब तक डीपली नहीं पढ़े होंगे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन के आंसर को, तो इसलिए आप पूरा देखिए वीडियो एंड तक। आपके यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और सारे वही हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए माइकल एंजिलो का एक चित्र है, माइकल एंजिलो ये चित्रकार थे, इन्होंने बनाया एक चित्र, उस चित्र का नाम है द फॉल ऑफ मैन। तो याद रखिएगा माइकल एंजिलो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो इन्हीं की पुस्तक इन्हीं का चित्र है द फॉल ऑफ मैन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है, यूटोपिया नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये प्रश्न 100% आएगा, यूटोपिया नामक ग्रंथ या यूटोपिया ये पुस्तक ये किसने लिखा, इसके राइटर कौन है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए थॉमस मूर इन्होंने ही लिखा है, थॉमस मूर व्यक्ति थे, इन्होंने लिखा है एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम यूटोपिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है, द आर्ट ऑफ वॉर के रचयिता हैं? तो द आर्ट ऑफ वार ये पुस्तक है, तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मैकियावेली हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला देखिए, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो पहला छापाखाना था उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था, जॉन गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। देखिए एक प्रश्न ऐसे पूछेगा नीचे, देखिए गुटेनबर्ग किसका पुत्र था? तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो पिता थे गुटेनबर्ग के, वो व्यापारी थे, तो गुटेनबर्ग व्यापारी के पुत्र थे, तो इसलिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला है, कैक्सटन ने इंग्लैंड में छापाखाना कब स्थापित किया? देखिए कैक्सटन जो थे वो इंग्लैंड में छापे खाने का आविष्कार करते हैं, सबसे पहले स्थापित करते हैं, तो कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था 1476 ईस्वी में, और जो प्रथम छापा खाना था यानी प्रिंटिंग प्रेस था उसका सबसे पहले आविष्कार तो जॉन गुटेनबर्ग कर चुके थे, लेकिन इंग्लैंड में कैक्सटन ने जब छापे खाने का स्थापना कब की? तो 1476 ईस्वी में की। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दांते का जन्म कहाँ हुआ? देखिए दांते का जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे ज़रूर पूछेगा। तो जैसा कि दांते का जन्म कहाँ हुआ था, अब आपको ये बताना, आपको ना ऑप्शन देख के ही पता चलना चाहिए, क्योंकि अब आपने देखा दांते कौन थे, पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, और पुनर्जागरण किस देश में शुरू हुआ? इटली में। इटली के कौन से नगर में? फ्लोरेंस नगर में। तो अब बताइए चीज़ें आसान हैं कि नहीं, बस आपको चीज़ें याद हों तो आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन वही आपका आंसर देगा जो पीछे। देखिए ये परीक्षा में ना कितने सारे क्वेश्चन ऐसे आपके आते हैं
कि कई सारे 5 से 6 क्वेश्चन तो आपस में मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि देखिए जब पेपर आपका बनाया जाता है तो एक टॉपिक से कई सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, फिर अगले टॉपिक से कई सारे प्रश्न उठाकर आपको आपका प्रश्न बनता है। तो एक टॉपिक से कई सारे प्रश्न आएंगे, तो आप देखिएगा कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप ऐसे जब एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते जाएंगे तो आगे आप जाएंगे तो कुछ टॉपिक का क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो पिछले क्वेश्चन से मैच करेगा, तो कितने क्वेश्चन के आंसर तो हमें ऐसे ही पता लग जाते हैं। तो काफ़ी आसान होता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके जाएँ। और मेरे चैनल पर तो हर वीडियो एकदम लगातार अपलोड होती रहती है हर सब्जेक्ट की, तो अगर आप चाहेंगे तो फुल डिटेल वीडियो हर सब्जेक्ट की देखे रहेंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम होता है तो बच्चे कहेंगे कि मैम ऑब्जेक्टिव्स टाइप वीडियोस दीजिए, तो ऑब्जेक्टिव्स टाइप वीडियोस तो मैं ऐसे पूरी डालती ही हूँ, बट आप जो फुल क्लास होती है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो होती है जो सब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए, वो भी अगर आप देखें तो भी आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप लेक्चर आपका आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन देख के ही आंसर पकड़ लेंगे, क्योंकि आपका आंसर तो चार लिखा होता है, एकदम आसान से आप पकड़ लेंगे। देखिए इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था दांते का जन्म, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका धर्म सुधार आंदोलन से बन जाएगा। देखिए यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हमने पढ़ लिया पूरा टॉपिक, तो ये शुरू हुआ था 1517 में। किसने शुरू किया था? तो मार्टिन लूथर ने शुरू किया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण था, तो देखिए कारण तो कई सारे थे। पहला कारण था चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बुराइयां। यूरोप के चर्च में काफ़ी भ्रष्टाचार और बुराइयां फैली हुई थी। दूसरा कारण था कि समाज में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास हो चुका था पुनर्जागरण के बाद। तीसरा कारण था कि पुनर्जागरण, क्योंकि जब पुनर्जागरण हुआ तो लोग फिर से जागृत हो गए, तो कितने सारे लोग ऐसे समाज में उभर कर सामने आए जो समाज में फैली हुई और चर्च में फैली हुई बुराइयों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते थे। वो लोगों के बीच में समानता लाना चाहते थे, भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे, जिसमें से मार्टिन लूथर का काफ़ी योगदान है। तो इसलिए ये तीनों ही आंसर आपके हो जाएंगे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण, तो उपर्युक्त सभी आपको टिक कर देना होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। मार्टिन लूथर किस धर्म का प्रवर्तक था? तो प्रोटेस्टेंट धर्म का। ये तो आपको पता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की इन्होंने ही शुरुआत की, इन्होंने आंदोलन चलाया था जो कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन के नाम से विख्यात है। फिर बाद में वही आंदोलन जो एक धर्म का रूप लेता है, एक समुदाय का रूप लेता है, तो प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड है इस पर भी। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन किस देश से शुरू किया? तो आपको तो पता ही है कि मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। तो यहाँ जब ये जर्मनी के थे तो वहीं से शुरू करेंगे ना अपना आंदोलन, तो जाहिर सी बात है जर्मनी से किया, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है धर्म सुधारक काल्विन किस देश का निवासी था? देखिए जब मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन चला रहे थे तो काल्विन एक व्यक्ति थे, इन्होंने भी धर्म सुधार आंदोलन में काफ़ी योगदान दिया। तो ये किस देश के निवासी थे? तो ये थे फ्रांस के निवासी। कौन? काल्विन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति भी आपको पढ़ना पूरा आपका टॉपिक है आपके सिलेबस के अंतर्गत, तो औद्योगिक क्रांति पर भी एक फुल डिटेल वीडियो पूरी अपलोड हो चुकी है जिसमें पूरा मैंने आपका कंप्लीट करा दिया टॉपिक। ये एक एक चीज़ को देखिए मैं पढ़ाती हूँ ना तो पूरा बेसिक से एंड तक का पढ़ा देती हूँ एक ही वीडियो में। तो एक वीडियो आपकी एक टॉपिक पर अपलोड होती है, पूरी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ ऐड हैं आपके पूरे सिलेबस की, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आपके एग्ज़ाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका ना छूटे, तो फिर आपको क्या करना है, पूरी क्लास कर लेनी है जो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे। तो औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई? ये तो आपको पता ही है इंग्लैंड में हुई, और इंग्लैंड में ही क्यों हुई तो ये सब तो मैंने इसी वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन था? इस औद्योगिक क्रांति के बाद इतना तेज़ी से आविष्कार हुआ तो सिलाई मशीन के आविष्कारक ये पूछेगा आपसे, तो एलिहास हो, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, इन्होंने ही सिलाई मशीन को बनाया था। अगला देखिए औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? देखिए समाजवाद कहलाती थी, या साम्यवाद कहलाती थी, या पूंजीवादी कहलाती थी, या श्रम संघ कहलाती थी, तो श्रम संघ कहलाती थी, ओके ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया?
जेम्स वाट ने किया, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर वन राइट है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया था सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार ये ज़रूर पूछेगा, तो मैकडम ने किया, किसने, मैकडम ने, ऑप्शन नंबर टू राइट है। अगला प्रश्न है आपका, औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, तो औद्योगिक क्रांति के कारण आपको पढ़ा चुकी हूँ ना मैं, क्या कारण थे, देखिए आप देखिए ध्यान से, ऑप्शन पहला ऑप्शन है उपनिवेशों की स्थापना, दूसरा है सस्ते दर पर कच्चे माल की प्राप्ति, तीसरा है धन की प्रचुरता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो अब औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है, तो इंग्लैंड तो के बारे में तो आप जानते ही कि उसने कितने सारे देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था, और हमारा भारत भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश रह चुका है, और हम तो आज़ाद हुए 1947 में, उससे पहले तो अंग्रेज़ ही यहाँ पे राज करते थे हमारे भारत में, ये बात आप जानते ही हैं। तो अमेरिका भी रह चुका है अंग्रेज़ों का उपनिवेश, उसके अलावा बहुत सारे देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था, तो अलग अलग देशों में जो उपनिवेश उन्होंने स्थापित किए थे, ये एक बड़ा कारण था औद्योगिक क्रांति का। दूसरा ये था कि उपनिवेशों से वो लोग सस्ते दर पर कच्चे माल लेते थे। अब जैसे आप देखेंगे कि जब भारत में अंग्रेज़ थे तो यहाँ पर नील की खेती ज़बरदस्ती कराते थे भारतीय किसानों से, और सस्ते दर पर लेते थे, उसको इंग्लैंड भेजते थे, काफ़ी उससे जब एकदम फाइनल गुड्स तैयार हो जाते थे, माल तैयार हो जाते थे, तो फिर उसको भारत की बाज़ारों में लाके महंगे दरों पे बेचते थे, तो काफ़ी धन कमाते थे। तो ये भी एक कारण था कि इंग्लैंड की सॉरी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, एक कारण था। तीसरा था कि धन की प्रचुरता, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी ही नहीं थी, सस्ता कच्चा माल लेते थे और महंगा महंगा उसको बेचते थे माल बनाने के बाद, तो इनके पास धन की तो कोई कमी थी ही नहीं, बहुत धन था इनके पास। तो औद्योगिक क्रांति के ये सभी महत्वपूर्ण कारण हैं, तो जब ऑप्शन में आपके देखिएगा ये सारा कुछ देगा ना, तो उपयुक्त सभी पर टिक कर दीजिएगा बस। अगला देखिए, वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ, तो कब हुआ था इसका आविष्कार, 1769 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर टू राइट है। तीसरा है फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन था, तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार था उसको जॉन के ने किया, यानी जॉन के ने बनाया था फ्लाइंग शटल को, ऑप्शन नंबर वन राइट है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया, जेम्स हरग्रीव्स ने सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार सबसे पहले किया था, तो ऑप्शन नंबर वन राइट है। अगला, सूत काटने वाली मशीन का नाम क्या था, तो क्या नाम था, स्पिनिंग जेनी था। तीसरा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी, तो कब हुई थी, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो ऑप्शन नंबर थ्री राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है, तो कौन सा कारण औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको पेपर मिलेगा तो ऑप्शन पढ़िएगा, पहला धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा राजकीय संरक्षण, तीसरा कृषि क्रांति, चौथा वैज्ञानिक आविष्कार। तो निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है, तो कारण जो नहीं है वो होगा धर्म सुधार आंदोलन, क्योंकि बाकी राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार ये सब तो औद्योगिक क्रांति के कारण है, तो आपका औद्योगिक क्रांति का कारण धर्म सुधार आंदोलन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वन राइट है। अगला है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया, ऑप्शन नंबर टू राइट है। फिर अगला है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है, तो भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो सूती वस्त्र का उद्योग माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर फोर राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई, शानदार क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, तो इंग्लैंड की शानदार क्रांति या रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति कुछ भी पूछ सकता है, कई सारे इसके नाम हैं, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था इंग्लैंड की क्रांति के बारे में तो पूरा आपको डिटेल में पूरा उसके नाम के बारे में बता दिया था, इसकी स्टार्ट से लेकर पूरी पृष्ठभूमि से लेकर एंड तक बता दिया था सब कुछ आपको पूरा नोट्स के साथ। तो कब हुई थी रक्तहीन क्रांति, 1688 में हुई थी, याद होगा आपको, आप पढ़े होंगे मेरे साथ, तो ऑप्शन नंबर टू राइट है। अगला है, इंग्लैंड की क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन शासक था जब इंग्लैंड की क्रांति होती है
तो वहाँ का जो निरंकुश शासक था वो कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। ठीक है, याद होगा ना आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा याद है आपको। जेम्स द्वितीय था, बड़ा निरंकुश था। इसके शासनकाल में आकर इंग्लैंड की क्रांति संपन्न हो जाती है 1688 ईस्वी में, और ये अपनी जान बचाकर अपना देश छोड़कर भाग जाता है। फिर इसी की बेटी और इसके दामाद इंग्लैंड के गद्दी पर आसीन होते हैं, ये आपको पूरा बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है, जेम्स द्वितीय किस वंश का संस्थापक था? तो याद रखिएगा, स्टुअर्ट वंश का शासक चल रहा था, और स्टुअर्ट वंश के जितने भी शासक आ रहे थे वो सब के सब निरंकुश शासक थे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है, इंग्लैंड में अधिकार विधेयक कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था आपको याद होगा ना, 1689 में, क्योंकि जब इंग्लैंड की क्रांति 1688 में संपन्न होती है तो उसी के बाद अधिकार विधेयक पारित होता है, जिसमें सब कुछ एकदम सही हो जाता है, जो कुछ भी बिगड़ा सा था और जो भी अधिकार संसद से लिए गए थे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और जो भी अधिक से अधिक कर थे वो सब समाप्त किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अधिकार विधेयक ये इंग्लैंड की क्रांति से जुड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए याद रखिएगा, ये 1689 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है आपका, चार्ल्स फर्स्ट को फांसी कब दी गई? देखिए, चार्ल्स प्रथम जो था ये भी बड़ा निरंकुश शासक था इंग्लैंड का, तो इसको फांसी दी गई थी 30 जनवरी 1649 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला, चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड की गद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा चार्ल्स द्वितीय? 1660 में बैठता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ये सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको याद होगा। चार्ल्स द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया? तो ये बैठता है 1660 में, तो 85 तक शासन करता है, और 85 में फिर जेम्स द्वितीय का शासन आता है। तो जब जेम्स द्वितीय 3 सालों तक अभी शासन करता है, तो 1688 में जाते ही इंग्लैंड की क्रांति संपन्न हो जाती है, फिर वो भी अपनी जान बचाकर अपना देश छोड़कर भाग जाता है। याद रखिएगा, तो चार्ल्स द्वितीय 1660 से लेकर 1685 तक शासन करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला आपका प्रश्न है, अमेरिका की क्रांति कब हुई? तो अमेरिका की क्रांति के बारे में भी एक पूरा डिटेल वीडियो अपलोड है, पूरी क्लास हो चुकी है इसकी भी, हर टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सब हो गया, सब पढ़ लीजिएगा आप लोग एग्ज़ाम से पहले। प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ज़रूर पूछेगा कि अमेरिका की क्रांति कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1776 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है, अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो आपको पढ़ा चुकी हूँ ना, अमेरिका की क्रांति में पढ़ रहे थे तो हमने देखा बोस्टन टी पार्टी की घटना, यानी बोस्टन चाय पार्टी की घटना कह सकते हैं आप, तो ये अमेरिका की क्रांति से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला राइट, अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिका की क्रांति का प्रमुख कारण था? तो देखिए, पहला कारण है अंग्रेजी सरकार के कठोर कानून, ये भी सही है, ये भी एक कारण था अमेरिका की क्रांति का, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वहाँ पर बहुत कठोर कानून लागू कर रही थी, जिस तरह उन लोगों ने हमारे भारत में किया वैसे ही समझ लीजिए। दूसरा कि बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना हुई थी ये भी अमेरिका की क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा, अंग्रेजी सरकार द्वारा स्टाम्प एक्ट कानून जब पारित किया गया तो ये भी एक कारण था, ये तो आपको पढ़ा चुकी हूँ ना, आपको याद होगा। तो ये तीनों ही कारण था अमेरिका की क्रांति का, तो ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी आप टिक कर लीजिएगा एग्ज़ाम में। अगला देखिए, फ्रांस की क्रांति से जुड़ा महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति पर भी एक पूरा डिटेल वीडियो अपलोड है, इसकी भी पूरी क्लास करा चुकी हूँ, सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर पूरा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आप पूरा देख लिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो जैसे आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप अपनी क्लास पूरी कर लें और कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटे। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए पूरी पूरी वीडियो प्रोवाइड करूँ, ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आएँ। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो याद है ना आपको, 1789 में जब बास्तील का पतन हुआ 14 जुलाई को, आपको याद होगा, तो तभी 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है, फ्रांस की क्रांति किस शासक के शासन काल में घटित हुई? अच्छा, ये बात ध्यान दीजिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है आपको बता दूँ, सभी देशों में जो क्रांति हुई तो किस सन में हुई ये आपको याद रखना है, कोई भी देश। फिर साथ साथ
उस समय जब क्रांति संपन्न हुई तो उस टाइम किस शासन का, किस शासक का शासन चल रहा था सभी क्रांति सभी देशों में? तो याद रखिएगा, फ्रांस की जब क्रांति होती है 1789 में, तो उस समय लुई 16वां शासक था फ्रांस का। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लुई 16वां। और इंग्लैंड का आपको याद रखना है जेम्स द्वितीय के समय में, 1688 में क्रांति वहाँ पर हुई थी इंग्लैंड में, और यहाँ पर लुई 16वां के समय में हुई थी 1789 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला देखिए, विलियम ऑफ ऑरेंज कहाँ का शासक था? देखिए विलियम ऑफ ऑरेंज हॉलैंड का शासक था, याद रखिएगा। अच्छा, देखिए विलियम ऑफ ऑरेंज जो था ये जेम्स द्वितीय का दामाद था। जेम्स द्वितीय याद होगा ना, बहुत निरंकुश शासक जो इंग्लैंड का था, और उसी के शासनकाल में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। तो बस उन्हीं का दामाद था विलियम ऑफ ऑरेंज, जो कि हॉलैंड का शासक था। और जब इंग्लैंड की क्रांति होती है तो हमने देखा था, जब हम पढ़ रहे थे, आपको पढ़ा रही थी, तो हमने देखा था कि जब इंग्लैंड की क्रांति होती है तो जेम्स द्वितीय जब भागता है अपनी जान बचाकर, तो उसका दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज और जेम्स द्वितीय की बेटी, बेटी का नाम था मैरी, ये दोनों इंग्लैंड के शासक बनते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये हॉलैंड के थे। अगला है, गृह युद्ध में राजा के समर्थकों को क्या कहा गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जब इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हुआ, इंग्लैंड की क्रांति का कारण तो आपको पता ही है कि राजा और संसद के मध्य संघर्ष था। अब ये संघर्ष क्या चीज़ था, ये आपको जानने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ ताकि आपका ये वीडियो लंबा हो जाए बहुत ज़्यादा। तो आप इंग्लैंड की क्रांति वाली वीडियो देखिएगा। तो जब संसद और शासक के मध्य संघर्ष स्थापित होता है, तो जो आम जनता थी, जनसाधारण जो लोग थे, वो संसद की तरफ थे, क्योंकि संसद जनसाधारण के समर्थन में था और वो जनता का भला चाहता था, क्योंकि जो निरंकुश शासक थे वो काफ़ी टैक्स लगाते थे बहुत ज़्यादा। तो जो लोग भी राजा के समर्थक थे, गृह युद्ध का मतलब जो आपस में ही युद्ध शुरू हो गया था राजा और संसद के बीच, तो उसमें जो राजा का साथ दे रहे थे, जैसे जो पादरी अच्छे वर्ग के लोग थे, बड़े जो लोग थे, वो लोग राजा का साथ दे रहे थे, क्योंकि भाई उनके पास तो किसी चीज़ की कमी थी नहीं। तो उन्हें कहा गया कैवेलियर, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन आपका 4 दे देगा, तो उसमें 4 में से जो कैवेलियर आपका ऑप्शन होगा वो सही होगा, याद रखिएगा, राजा के समर्थक थे ये। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गृह युद्ध में संसद के समर्थकों को क्या कहा गया? तो जो संसद का साथ दे रहे थे उन्हें राउंड हेड कहा गया, तो राउंड हेड याद रखिएगा। अगला है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, कब घटी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति के जो तात्कालीन कारण थे, ये हमने देखा था ना जब हमने वीडियो पढ़ी थी। तो देखिए एक एक चीज़ तो वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा कर पढ़ाई हूँ, तो ऑब्जेक्टिव्स वाले भी पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। देखिए शासकों की निरंकुशता, ये तो शासन फ्रांस की क्रांति का कारण ज़रूर था, मगर तात्कालीन कारण जो था वो ये था, स्टेट्स जनरल का जो अधिवेशन बुलाया गया, ये तात्कालीन कारण था। उसके अलावा शासकों की निरंकुशता, दार्शनिकों की भूमिका, देखिए ये सब कुछ तो कारण था ही फ्रांस की क्रांति का, लेकिन जो स्टेट्स जनरल का अधिवेशन था ये तात्कालिक कारण था। तो तात्कालिक कारण पूछेगा तो आपका ऑप्शन जो होगा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट है। अगला है, लुई 16वां ने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब बुलाया? तो कब बुलाया था, 1789 ईस्वी में बुलाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट है। अगला है, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति मिली? तो ये सब कुछ आपको वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप याद कर लेंगे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, मगर एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। इसलिए जब आप चीज़ों को एकदम अच्छे से समझे रहेंगे, या कि ये तीनों सदनों की संयुक्त बैठक क्यों बुलाई गई, इसकी अनुमति किसने दी, क्यों दी, तो सब कुछ के लिए आपको फ्रांस की क्रांति वाली वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी, और प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी है BA 4 सेमेस्टर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, चेक कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसमें मैं लिंक आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तीनों सदनों की जो संयुक्त बैठक थी उसकी अनुमति दी गई थी 21 नहीं देखिए 27 जून 1789 में, ऑप्शन नंबर 2 राइट है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महान दार्शनिक वाल्टनेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? तो देखिए, जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें काफ़ी महान दार्शनिकों ने अपना योगदान दिया था, जैसे रूसो ने दिया, मॉन्टेस्क्यू ने दिया, उसके अलावा वाल्टेयर ने भी दिया। तो देखिए, वाल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? तो इन लोगों ने फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया था। काफ़ी इन्होंने विचार प्रस्तुत किए जिससे कि फ्रांस की जनता जागरूक होती है क्रांति करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। स्प्रिट ऑफ ला नामक पुस्तक के लेखक थे, तो स्प्रिट ऑफ ला नामक पुस्तक के लेखक थे मॉन्टेस्क्यू। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था, और नेपोलियन बोनापार्ट पर भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, डिटेल में प्लेलिस्ट में ऐड है। अगला है, नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बन जाता है? तो ये फ्रांस के शासक बनते हैं नेपोलियन, अपनी योग्यता के बल पर ये शासक बनते हैं। तो कब बनते हैं? देखिए, 1804 में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट से क्या अभिप्राय था? तो देखिए, स्टेट से क्या अभिप्राय है ये आपको पता होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुकी थी ये फ्रांस की क्रांति वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, 1st, 2nd, and 3rd स्टेट्स। तो ये आपको अच्छे से याद होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर आप अपना 4 देखिए, फ्रांस के सामाजिक वर्ग का विभाजन। तो 1st स्टेट्स में पादरी आते थे, 2nd स्टेट्स में कुलीन और आते थे, और 3rd स्टेट में जो मजदूर किसान ये लोग थे, ये लोग आते थे, जैसे मध्यम वर्ग के लोग आते थे, जो गरीब होते थे सबसे, जिन्हें समाज में कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त था, और भारी मात्रा में कर भी 3rd स्टेट वालों से ही लिया जाता था, और 1st एंड 2nd स्टेट वाले लोग करों से मुक्त थे, क्योंकि इनका समाज में काफ़ी अधिकार था, राजा के द्वारा इन्हें काफ़ी विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। इसीलिए रूस के जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्रांति करने के लिए प्रेरित होते हैं वो लोग, और क्रांति होती है फिर बास्टिल का जब पतन होता है, बास्टिल के किले का, तो वहीं से क्रांति संपन्न होती है, आपको तो याद होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट है। अगला है, द्वितीय स्टेट में कौन से लोग शामिल थे? तो आपको याद है ना, मैंने आपको भी बताया कौन से लोग शामिल थे, कुलीन वर्ग शामिल थे द्वितीय स्टेट में। और 3rd देखिए, पादरी वर्ग किस स्टेट में आते थे? तो 1st स्टेट में आते थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगर आपसे ये पूछ दे कि गरीब किसान मजदूर किस वर्ग में आते थे फ्रांस में, तो आपको याद होना चाहिए कि वो लोग 3rd स्टेट में आते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन संहिता की स्थापना कब हुई थी? तो नेपोलियन ने एक नेपोलियन संहिता बनाया था, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें सभी लोगों को विशेष अधिकार, समान अधिकार दिए गए, और सरकारी नौकरी जो दी जाएगी वो योग्यता के आधार पर दी जाएगी। इस तरह के अधिकार दिए गए कि जन्म के आधार पर किसी को अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सबके बराबर अधिकार होंगे समाज के अंतर्गत। तो ये था नेपोलियन संहिता। तो इसकी स्थापना नेपोलियन ने कब की थी? तो 20 मार्च 1804 में की थी, और 1804 में ही नेपोलियन फ्रांस के राजा बनते हैं, उसके बाद ही वो नेपोलियन संहिता की स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय कब हुई? तो आपको याद होगा ना कि वाटरलू में हुई थी, वाटरलू के युद्ध में इनकी पराजय हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। और अगला देखिए, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई तो किस वर्ष में हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट। अगला आपका प्रश्न है, बास्टिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो बास्टिल का किला था फ्रांस में, तो वो किस बात, मतलब उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, ये फ्रांस के किले की जेल थी, तो सही है ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है, लोग बास्टिल से घृणा करते थे, तो जो फ्रांस की जनता थी वो बास्टिल के किले से नफरत करती थी, ये भी कथन सत्य है। तीसरा, यह सम्राट के निरंकुशता शक्ति का प्रतीक थी, जो फ्रांस के निरंकुश शासक होते थे उनकी शक्ति का प्रतीक थी। तो आप ये तीनों कथन ही बास्टिल के बारे में सत्य हैं, तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, जब बास्टिल के किले पर आक्रमण करती है फ्रांस की जनता, और उसमें जो भी बेकसूर कैदी कैद थे उनको आज़ाद करती है, रिहा करती है,
14 जुलाई 1789 में। तो वहीं से क्या होता है, उसी दिन इंग्लैंड सॉरी फ्रांस की क्रांति संपन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो तीनों ही 1, 2, 3 बासिल के बारे में सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो कर लगाना राष्ट्रीय सभा बुलाने का मेन उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर टू राइट है। अगला है, राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? तो आपको याद होगा ना कि टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होती है और वहीं पर शपथ लेती है, जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है कि जब तक हम अपने देश का संविधान नहीं बना लेंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, फ्रांस की जनता ये शपथ लेती है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो की जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है पूरा, इनको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्ज़ाम में याद करके एग्ज़ाम में देख कर ही जाइएगा। और उसके अलावा जो आपके सिलेबस में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध है और पूरा डिटेल में जो है जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, उन सभी पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। बस आपने इतना देख के जाना है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। और आप चाहते हैं कि और भी बहुत अच्छा आपका जाए, एकदम कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो फिर आपके लिए फुल डिटेल क्लास करनी होगी, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी होगी, प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोज़ ऐड है, जो आपको लिंक मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।